गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज लियान फ्रॉम अरुणाचल ब्लॉगर। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा नाम लियान है एंड मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला। वैसे मैं अब दिल्ली रहता हूँ 10 सालों से, एंड इस टाइम वर्क मैं कश्मीर में हूँ। एंड आप मेरे आगे देख सकते हो, ये है ऑन द वे टू गुलमर्ग एंड आई एम लविंग इट। गाइज अभी जो है वो सेकंड अटेम्प्ट है, देखते हैं अब यहाँ रेडबुल मिलना चाहिए। लास्ट टाइम वैसे मैं यहाँ से लिया था, भैया गया हुआ है बाहर और दुकान यहाँ है, ऐसे सुबह सुबह खुल चुके हैं, होपफुली यहाँ मिल जाना चाहिए। और ये है हमारा सिक्योरिटी भैया और उसके आगे है दूसरी वाली हमारी कार। सो आज हम दो कार जा रहे हैं साथ में और बाकी लोग वहाँ बैठा है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ। थैंक यू। ये आ गई रेडबुल। हमारा ये कार का जो इंजन है वो टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, तो हम अभी थोड़ा सा रुकेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। इंजन को थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं। ऑफ करने से नहीं होगा? ना, ऑफ नहीं करना, ऑफ नहीं करना, ठंडी हो जाए। पर इस मौसम में ठंडी नहीं होनी चाहिए। हाँ पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा तो नहीं होगा। जिस तरह सोच रहे थे गुलमर्ग आके कि शायद बर्फ होगी ये वो, लेकिन आप देख सकते हो बाहर अभी का लेटेस्ट अपडेट गुलमर्ग के बारे में, यहाँ कोई स्नो नहीं है नीचे। अदरवाइज आप जब जनवरी में आते हो तो इस जगह में पूरी तरह बर्फ होने लगती है। और अब हम पहुँच गए हैं तनमर्ग। ये हम पहुँच गए तनमर्ग के टोल टैक्स में। और ये वीडियो आप लोग अगर बाहर से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप आओगे यहाँ कश्मीर में, अगर आपको गुलमर्ग आना हो तो आप ये हमेशा याद रखना कि आप जब भी टैक्सी वालों से आप निगोशिएशन करोगे तो आप पूछना कि आप तनमर्ग तक लेके जाओगे या प्रॉपर गुलमर्ग में, क्योंकि तनमर्ग से जो आपका गुलमर्ग है वो 15 से 20 किलोमीटर के करीब आप मान के चलो। गाइस अभी मैंने आप सबको कहा था कि यहाँ जो है बर्फ़ हो नहीं रहे एंड मैं तनमर्ग पहुँचते ही अब यहाँ बर्फ़ होने लगी है, आपको मैं आगे दिखाऊँगा। ये देखो हल्की हल्की बर्फ़ होने लगी है नीचे तनमर्ग में, एंड आप उम्मीद कर सकते हो कि गुलमर्ग में ऊपर और ज़्यादा हो। समझ में नहीं आ रहा, जो हमारा कार की इंजन है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा ये जो कार है ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ कार है, तो इसी के चलते हुए चल नहीं पा रहे बार बार। और ये तनमर्ग आते ही आप देख सकते हो बर्फ़बारी होने लगी है। और ये है आपका दिसंबर का महीना आपका तनमर्ग गुलमर्ग के पास। और ये है आपका तनमर्ग का सुमो स्टैंड, जहां आपको नॉर्मली जो आपके टैक्सी वाले हैं वो यहां पर रोक कर रखेगा। गज जिसको आना था हमारे साथ वो भी आ गए एंड हम यहां से तनमर्ग से आगे चलेंगे। वैसे आपको मैंने दिखा दिया कि ये है आपका सुमो स्टैंड एंड आपको नॉर्मली जो आपका कैब वाले है वो यहाँ छोड़ते हैं एंड फिर यहाँ से आपको सुमो करके आगे से जाना होता है। दैट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 1000 या 1500 मान के चलो आप, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे तो हमें 1500 चार्ज किया था। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना जब आप गुलमर्ग आओगे, ये मत सोचना कि हमने टैक्सी कर लिया तो आपको टैक्सी वाले सीधा ऊपर लेके जाएंगे, नहीं। बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर आपको बताते नहीं हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखनी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कार है वो साथ नहीं दे रहे एंड उसी की वजह से हमें नीचे फिर उतरना पड़ेगा एंड देखते हैं, इसको कम से कम 10-15 मिनट लगेगा आपका
इंजन को सही होने में, बट एट द सेम टाइम वी कैन श्योरली एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वेदर हियर इन गुलमर्ग। एंड लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इसमें कोई बर्फ नहीं थे, मतलब बर्फ थे नीचे लेकिन इस तरह से स्नो नहीं हो रहे थे, बट आप देख सकते हो कि यहाँ अब बर्फ़ होने लगी है आते ही गुलमर्ग। दूसरी वाली कार यहाँ पे है, प्रॉब्लम यही आ रही है इंजन गर्म हुए जा रहे हैं, इंजन गर्म हुए जा रहे हैं। पानी नहीं है अभी, चेक नहीं करना पड़े, वो गर्म है ना। अच्छा अच्छा, अभी ऊपर जाके फिर करेंगे। पानी निकल रहा है ना, देखता भी नहीं है कभी क्या दोस्त, ठंडा आता हूँ कैसे ठंड। अच्छी जुगाड़ Hello. It started snowing, huh? Yeah. आते ही हमारी स्वागत इस खूबसूरत गुलमर्ग में। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो आप देख सकते हो कि जो बाकी कार है जो ऊपर से आ रहे गुलमर्ग से वापस, सबके शीशे में बर्फ लगी हुई है और हम फिर आप यहाँ से निकलने लगे आगे। अरे वे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि मैं फिर से गुलमर्ग की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप जब टाइम लगते हैं तो आपको गुलमर्ग आना चाहिए, एंड ये काफ़ी श्रीनगर से नज़दीक है, एंड इसी के चलते हुए मैं हमेशा जब भी टाइम लगता है तो मैं गुलमर्ग ही आता हूँ रेदर गोइंग टू पहलगाम, क्योंकि पहलगाम काफ़ी दूर है, पहलगाम पर्सनली इतना पसंद भी नहीं है। दिस इज़ माई सिक्स्थ विजिट टू गुलमर्ग एंड फाइनली एक साल के बाद मुझे दिन दहाड़े मुझे बर्फ गिरते हुए देखने को मौका मिला एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। सो चलते हैं हम आगे। गाइस, बर्फ़ में आने का दूसरा मुसीबत ये होती है कि बहुत सारे जो कार है वो हल्का हल्का है तो ऊपर जा नहीं पा रहे अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे मुड़ जाएंगे। ये देखो, आप देख सकते हो, मेरे भैया ने बताया था मुझे। गाइस, सो ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे लोगों को, यही दुआ है कि हम ऊपर तक पहुँचे बढ़िया से आराम से और एक्सप्लोर कर ले गुलमर्ग, एंड इफ इट्स नॉट देन क्या करेंगे हम, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहीं तक ही जाएंगे। गाइस, यहाँ ये हो रहा है, ये जो है बहुत ही दिक्कत करेगा हम सबको। बर्फ़ तो खूब हो रही है लेकिन जो हमारे जो रास्ता है वो इस कार ने बिल्कुल रोक दिया है। मैं नीचे उतर आया हूँ और हमारे भी जो बोनट है वो ऐसे इस तरह से हमने खोल के रखा हुआ है, और आप देख सकते हो कि कितने बर्फ़ होने लगी है बहुत ज़्यादा। अब रस्सी लेके नहीं आया, क्या होगा, टेंशन हो गया। मैं बोलूं शाम को उतरेंगे कैसे। बहुत मुश्किल होने लगी है भैया। सो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि जो दूसरी वाली कार है वो नीचे चले गए और ये बाकी आ गए, और ये संदीप भी आ रहे हैं वापस, हम सब चलेंगे इस कार में। अब कोशिश करेंगे ऊपर जाने के लिए, लेट्स सी क्या होता है। गाइस, सो हम फाइनली पहुंच गए हैं गुलमर्ग, एंड बहुत दिक्कतें आई। बहुत मुसीबत है, ये देखो खुद ब खुद चल रहे हैं, ये देखो। ओए 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 ओए, रुक जा, मुझे उतरने दे यार, इस तरह से स्किट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। आना, धक्का च धक्का मारे, धक्का मार के भी कुछ नहीं होगा। तनवीर भैया, ट्राई करके देखना आप, जाओ। गाइस, ये हाल हो गए यहाँ हेल्प करने का। अभी हम सबसे पहले चाय वाय पियेंगे यहाँ, बर्फ़ रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरी तरह गुलमर्ग बर्फ़ से ढकने लगा है।
करना है यहाँ ब्रेकफास्ट, एंड आज हम यहाँ रुके हैं, देखते हैं क्या मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो हम चलते हैं अंदर। फाइनली हम आ गए रेस्टोरेंट में, एंड अब हम पी रहे हैं कश्मीरी चाय कहवा, जो ऐसा दिखता है, सर्दी के लिए बहुत ही बढ़िया। ऐसे नहीं होगा मेरा फोटो ऐसा। गाइस बर्फ अभी थोड़ा सा कम होने लगा है, अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर, फिर हम चलते हैं गोंडोला की तरफ। सारे इकट्ठे हो गए, अब मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि नहीं तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, रीज़न बर्फ की वजह से ऊपर कार चढ़ नहीं पा रहे थे। इसी के चलते हुए अब हम आगे रिसेप्शन में चलते हैं यहाँ से।